I guess I'm live right now. Hello everybody. Welcome to our YouTube channel. This is your PM ma'am. And आज के session में हम लोग re-NEET 22 का जो examination हुआ था गंगानगर के students के लिए वो paper re-NEET का discuss करने वाले हैं. यहाँ पे मैं question one by one आपको पूरा biology का solve करवाऊँगी, साथ में आंसर्स भी बताऊंगी एंड देर इज़ गोइंग टू बी अ डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन अवेलेबल ओवर हेयर. एंड डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे. आ गए सभी लोग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलो जल्दी से टेलीग्राम पे बता दो बेटा कि मैम इज़ लाइव सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन, है ना. अपने जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं सब पर बता दो कि मैम आ चुकी है सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन, राइट. दीपांशी, यशराज, विद्या, पुष्पा, गौरी. तो चलिए आज re-NEET का पेपर अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना. विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स इन दी ऊ साइड्स ऑफ वर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट के अंदर कौन सी जो स्टेज है उसमें ये ऊ साइड्स अटक जाता है फॉर मंथ टू ईयर्स, तो दैट इज डिप्लोटीन. ठीक है, मियोसिस वन, प्रोफेज वन, डिप्लोटीन. ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर टू, जब एक मॉलिक्यूल फिक्स हो रहा है CO2 का एज वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है, कौन सा इंटरमीडिएट यूज हो रहा है बेटा यहाँ पे रिडक्शन फेज में, तो 1 ATP और 1 NADPH, है ना, पर CO2 मॉलिक्यूल 1 ATP और 1 NADPH यूज होता है. जो भी बच्चे लाइव इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. जेड जीन कोड्स फॉर लैक ओपेरॉन में जेड जीन किसके लिए कोड करता है, तो ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए. इट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज. वाई का भी याद रख लेना, ए का भी याद रख लेना, परमीएज, ट्रांसएसिटाइलेज, है ना, जेड का यहाँ पे पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर केम्बियम. लेटरल रूट्स कहाँ से निकलती हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ाते टाइम स्टार भी मार्क करवाया था कि जो लेटरल रूट है कहाँ से निकलती है, पेरीसाइकल से निकलती है. ठीक है, पेरीसाइकल से लेटरल रूट्स आएंगी सेकेंडरी ग्रोथ में. चलिए मैचिश अच्छी करना है 105 को. एडिनिन क्या है, प्यूरीन. कैसे याद रखते हैं इसको, AG पूरी खा लो, यानी कि AG क्या है, प्यूरीन है. फिर आ जाओ एंथोसाइनिन क्या है, कलर इम्पार्ट कर रही है, तो कलर देने वाली क्या होती है, पिगमेंट. ठीक है, फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट से NEET 21 में भी क्वेश्चन आए, 21 में भी आए, कोडीन एल्कलॉइड. और काइटिन क्या है, फंगस की सेल वॉल में है, आर्थोपोड के स्केलेटन में है, तो काइटिन हो जाएगा पॉलीसेकेराइड, जो कि क्या है, एक होमोपॉलमर है. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आंसर. इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. नेक्स्ट पे आते हैं बेटा. अब अगले को मैच करने का टाइम आ चुका है. आई जीन इज फॉर रिप्रेसर. ठीक है, जी जेड वाला अभी बताया था बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई वाला परमीएज और ए वाला ट्रांस एसिटाइलेज. ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 आया था ना, 2 या 3, है ना, देखो उसी के बचे हुए यहाँ पे पूछ लिए कि कौन सा जीन किसके लिए कोड करता है. चलिए अब मैच करते हैं यहाँ पे अगेन क्वेश्चन नंबर 107. 3 मैच द कॉलम तो हमने अभी देख लिया है. क्लमाइडोमोनास एल्गा, फिर आपका स्फैग्नम हो जाएगा मॉस, साइकस जिम्नोस्पर्म, सेलेजिनेला टेरिडोफाइट. तो एग्जाम्पल्स मैच करने थे कि कौन किसको बिलोंग कर रहा है. अगर आपको ये भी पता होता है ना कि जो मॉस है वो क्या है यहाँ पे, स्फैग्नम है, तो डी का आंसर 1 लगाते और ये वाली मैच द कॉलम आप डी से ही मैच कर देते. बेटा ग्रुप पे टेलीग्राम पे सबको बता दो कि मैम लाइव है ताकि सभी बच्चे क्लास में आ जाएं. गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स. DNA पॉलीमरेज कैटलाइज करता है पॉलीमरेशन को इन 1 डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'. दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि रेप्लिकेशन के टाइम DNA के 1 स्ट्रैंड द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस व्हाइल ऑन द अदर स्ट्रैंड इट इज डिसकंटिन्यूस. तो बिल्कुल दोनों बातें सही लिखी हैं कि जो DNA पॉलीमरेज है DNA को बना रहा है ना, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके 5' to 3' डायरेक्शन में कर रहा है ना, और एक तरफ कंटिन्यूस है एक तरफ डिसकंटिन्यूस है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनेगी.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये जो डायग्राम दिखाया है यहाँ पे, फ्लोरल डायग्राम, किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो ये ब्रैसिकासी को बिलोंग करता है. नेक्स्ट पे आ जाओ, हाइड्रार्क सक्सेशन है, ठीक है, पानी में सक्सेशन हो रहा है, तो जो पायोनियर स्पीशीज़ होंगी वो क्या होंगी? तो जो पायोनियर स्पीशी यानी कि ऐसी स्पीशी जो सबसे पहले आती है किसी भी सक्सेशन में, तो इट इज़ गोइंग टू बी फाइटोप्लैंक्टन्स. सबसे पहले कौन आएगा? फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, फिर सबमर्ज एंड फ्लोटिंग एंड ये सब आएंगे. पहला जो आता है दैट इज फाइटोप्लैंक्टन. द नंबर ऑफ टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट ड्यूरिंग सिंगल TCA साइकिल, एक TCA साइकिल में कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है आइसोसिट्रेट का? इसका आंसर कोई बता सकता है क्या? निशा, कशिश, शेट्टी, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आया है. तो इट इज़ 2 times. कितने टाइम्स? 2 times हो जाएगा ये. सिकल सेल अनीमिया और हीमोफीलिया ऑटोसोमल डोमिनेंट है क्या? ये तो यहीं गलत हो गया. ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, ऑटोसोमल रेसेसिव है, दोनों ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है. फिर हीमोफीलिया आर द डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, ब्लड के जरूर डिसऑर्डर है, तो ए वाला इनकरेक्ट है, पर 2 वाला क्या है? करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन करना है. व्हेन अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट स्ट्रैंड ऑफ DNA, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस और स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड. बनते हैं क्या स्टिकी एंड्स? बिल्कुल बनते हैं. सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट दी स्ट्रैंड ऑफ DNA अ लिटिल अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी पेलिंड्रोमिक साइट, है ना, दूर ही करेंगे सेंटर से, तो इसीलिए क्या बन जा रहे हैं? स्टिकी एंड्स बन जा रहे हैं. जब काटा उसको छोड़ा तो स्टिकी एंड्स बन गए, क्योंकि लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. अब कौन किसका नंबर कितना है? ठीक है, तो जब हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में चार्ट बनी हुई है, वो पाई चार्ट, उसमें बताया कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा है, जैसे कि सबसे ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फिर प्लांट्स हैं, फिर फिशेस हैं, फिर बर्ड्स हैं, फिर मैमल्स हैं. ये कैसे याद करनी है आपको? पाई चार्ट देखना बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, वहाँ पर ऐसे चार्ट के थ्रू बताया है कि कौन सी चीज़ कितनी है. चलिए अगेन मैच द कॉलम आए हैं, बहुत मैच द कॉलम रीनीट के पेपर में लगता है पूछे गए हैं. ठीक है, अगर आपको ए का भी आंसर पता होता ना कि पोरिन क्या है, बड़े बड़े पोर हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल में, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपको ए से 4 आंसर आप लोग लगा देते. ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन पिंक कलर की बॉडी होती है, ऑक्सीजन स्केवेंजर की तरह काम करती है ताकि नाइट्रोजनेस एंजाइम काम कर पाए. एच आयन एक्यूमुलेशन कहाँ होता है? थायलाकॉइड के ल्यूमन में होता है. और रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक है, यानी कि कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों चीज़ें हो रही हैं. इसमें से एडिनीन डेरिवेटिव कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिनीन डेरिवेटिव? दैट इज साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन एडिनिन डेरिवेटिव है. फ्रूट वॉल ऑफ नट में क्या होती है बेटा? फ्रूट वॉल ऑफ नट इट इज स्क्लैरिड, है ना. याद रखना कि जो फ्रूट वॉल है नट्स की उसमें स्क्लैरिड रहेगा. नट्स बोल दिया ना, बेयर एरिया में जो स्पीशी आती है उसे क्या बोला जाता है? बेयर एरिया यानी कि अभी बंजर जमीन है, नया सक्सेशन शुरू हो रहा है, सबसे पहले जो आती है दैट इज वॉट? दैट इज पायोनियर स्पीशी. इसे क्या बोला जाता है? पायोनियर स्पीशी बोला जाता है. एम्ब्रियो सैक में क्या होता है बेटा? ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे एक एग है, 2 सिनोजिट्स हैं, यहाँ 3 एंटीपोडल है और ये पोलर न्यूक्लियाई है. ये होती है एक एम्ब्रियो सैक. ठीक है, तो एक एग सेल, 2 सिनोजिट, 3 एंटर, 2 पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, एक्चुअल में इन्होंने क्वेश्चन गलत पूछ लिया है. क्यों गलत पूछ लिया है? एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ पूछ रहा है, जबकि क्या पूछना चाहिए कि एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ. ठीक है, तो जो रीनीट का पेपर हुआ बेटा, वहां पे भी NTA ने गड़बड़ क्वेश्चन पूछे हैं, है ना, वहां पे भी गड़बड़ पूछे. एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ पूछ के एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट पूछ लिया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाओ.
इम्ब्रिकेट किस में देखने को मिलेगा, तो केशिया में देखने को मिलेगा, वेलवेट कैलोट्रोपिस में, वैक्सिलरी बीन में, ट्विस्टेड कॉटन में। इसको याद करा था ना हमने थोड़ा थोड़ा करके कि लेडी फिंगर चाइना की लेडी ट्विस्टेड है ना, तो ये अपना कॉटन वाली ये सब ये ट्विस्टेड में आ गया, ऐसे करके अपन ने इसको याद करा था। चलिए, ऑल सक्सेशन इररिस्पेक्टिव टू द हैबिटेट, भले ड्राई का सक्सेशन हो भले वेट का सक्सेशन हो, सब जीवन में क्या चाहते हैं, एक मीजिक वाटर कंडीशन बनाना चाहते हैं, एक मीडियम वाटर कंडीशन बनाना चाहते हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट किससे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ फ्रेगमेंट। क्या होती है, फ्रेगमेंट यहाँ पर सेपरेट हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। अब जो सेल डिवाइड नहीं कर रही है, जो मैच्योर है, ये फिर से डिवाइड करने लग गई, तो इसे क्या बोला जाता है, डी डिफरेंशिएशन। मतलब अभी डिवाइड कर रही थी, अब डिवाइड करना बंद कर दिया, मैच्योर हो गया तो डिफरेंशिएशन, फिर से डिवाइड करना शुरू कर दिया तो री डिफरेंशिएशन, और फिर से डी डिफरेंशिएशन, फिर से बंद कर दिया तो री डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्रॉसिंग ओवर किस एंजाइम से होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर अपना पैकेटीन में हो रहा है, और किस एंजाइम की प्रेजेंस में, रिकॉम्बिनेज की एंजाइम की प्रेजेंस में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। इसमें से पांच कार्बन कंपाउंड TCA साइकिल का क्या है, सबको पता है ये तो, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। बिल्कुल सेशन को लाइक कर देना अगर आपको लग रहा है कि बढ़िया तरीके से आपका सब रिवाइज हो रहा है। जब कैरियर मूवमेंट दो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में, दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये सिम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 साउथ अफ्रीका में किस बारे में हुई थी, इसका मोटिव क्या था, तो इसका एक ही मोटिव था कि बायोडायवर्सिटी के लॉस को रिड्यूस करना, है ना, बायोडायवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, जिस रेट से लॉस हो रहा है वो कम कर ले सब लोग मिलके, ये उसका मोटिव था। आ जाओ बेटा, इंटरफेसिकुलर केम्बियम कहाँ पर प्रेजेंट होती है, 128 इंटरफेसिकुलर किसी के बीच में है, किसके बीच में है, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में है क्या, इंटरफेसिकुलर केम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन। द एसेंट ऑफ जाइलम सैप इन प्लांट इज मेनली एकम्प्लिश्ड बाय, एसेंट ऑफ सैप किससे होता है, तीन चीजों से होता है, कोहेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन। डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी थी ना, तो यहाँ पे कोहेशन एंड क्या हो जाएगा, एडहेशन हो जाएगा। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्ट। राइजोम क्या होती है बेटा, राइजोम स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स तो होंगे, ये बोल रहा है कि नहीं होंगे, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है, इसमें नोड्स इंटरनोड्स होंगे, जिंजर की फोटो देखी हमने, उसमें नोड्स और इंटरनोड्स हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या करेक्ट है, वॉट इज करेक्ट अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। फीमेल फ्लावर बर्ड ऑफ प्लांट यूनिसेक्सुअल नीड्स नॉट टू बी बैग्ड। देखो, फीमेल को बैग तो करना ही पड़ेगा ताकि अनवांटेड पॉलन्स या जो हम नहीं चाहते हैं वो पॉलन नहीं आ जाए, तो ए वाला तो क्या हो गया है, ए वाला तो गलत हो गया है। ठीक है, देर इज नो नीड टू ईमैस्कुलेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हाँ, यूनिसेक्सुअल है तो फिर उसका मेल को क्यों रिमूव कर रहे हो, पहले ही एक ही है, ईमैस्कुलेटेड को बैक करना चाहिए आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन, सही है। ठीक है, एंथर के रिमूवल के बाद भी करना चाहिए, कर दो, फिर गड़बड़ कहाँ है। बायसेक्सुअल फ्लावर्स शोइंग प्रोटोगाइनी आर नेवर सेलेक्टेड फॉर क्रॉस, ऐसा कुछ नहीं है, दे कैन बी सेलेक्टेड। ठीक है, तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अपना यहाँ पे सिर्फ बी सी डी जो है अपने करेक्ट हो जाएंगे। चलो, पेरिस्पर्म किसका रेमनेंट है,
तो रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस को क्या बोला जाता है? रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस को पेरिस्पर्म बोला जाता है, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? री नीट का पेपर नीट के कंपैरिजन में इजी लग रहा है ना, सत्यनान बावरी ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या पूछ रहा है? नाइट्रोजनेस को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो बताया था कि जो लेग हीमोग्लोबिन है, अभी मैच द कॉलम में आया था ना पिंक कलर्ड, ये नाइट्रोजनेस को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये स्केवेंजर ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है। ऑक्सीजन के होते हुए कभी भी नाइट्रोजनेज एंजाइम काम नहीं कर पाता है। अलग अलग इन्वायरमेंट की वजह से अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसे क्या बोला जाता है? इसे प्लास्टिसिटी बोला जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग भी होना चाहिए एरोबिक भी होना चाहिए, कौन सा है बेटा? फ्री लिविंग एजोटोबैक्टर और बिजरनीकिया। देखते अभी एक अजर्शन रीजन आया है पायल अभी तक। बिल्कुल सेशन के लिंक हर जगह शेयर कर दो और बता दो कि मैम आ गई है। इट इज एजोटोबैक्टर एंड बिजरनीकिया। चलो मैच करो जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 137। इसमें मैच ज़्यादा पूछे हैं इस बार, बताओ। सेक्रेड ग्रूव्स, खासी हिल्स, इन ये जूलॉजिकल पार्क क्या है बेटा? एग्स सी टू कंजर्वेशन। नाइल पर्च क्या है? नाइल पर्च एलियन स्पीशी। अमेजोन फॉरेस्ट क्या है? बहुत सारा ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1। प्राइमरी प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड्स। प्राइमरी प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड क्यों बोला? क्योंकि देख रहे हो आप ये स्ट्रक्चर, बहुत सारे पेप्टाइड जुड़ के पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। तो जब बहुत सारे मिलके बना रहे हैं, मतलब सक्सेसिव अमीनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। मैच द फॉलोइंग। जीन गन क्या करती है? जीन को ट्रांसफर करने में मदद करती है। जीन थेरेपी क्या करती है? नॉर्मल हेल्दी जीन लाने में, खराब जीन सही करने में मदद करती है। जीनोम क्या होता है? टोटल डीएनए जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल में। और जीन क्लोनिंग क्या होता है? जीन की कॉपीज बनाना। तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा? 139 का आंसर 1 हो जाएगा। चलिए इधर आ जाइए, अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सेकंड पेज पे दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर। बैक्टीरियोफाज, दोनों बैक्टीरियोफाज के बारे में बताया है। हैप्लोइड कंटेंट ऑफ द डीएनए, और ये रहा ई कोलाई, ठीक है। तो 140 का आंसर क्या हो गया है? 3 हो गया है, है कि नहीं? ये तो याद ही करना पड़ेगा किस में कितना होता है। क्यों बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सपेक्टेड इफ साइंटिस्ट सक्सीड इन इंट्रोड्यूसिंग एपोमिक्टिक। अगर हम एपोमिक्टिक वैरायटी ले आएंगे तो क्या होगा? एपोमिक्सिस क्या होता है बेटा? ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फार्मर्स अगर, मतलब एपोमिक्सिस क्या है वो एसेक्सुअल, कॉपी किसकी कर रहा है? सेक्सुअल, यानी कि सीड बना रहा है। लेकिन एसेक्सुअल है तो जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो प्रिजर्व्ड है। तो मतलब फार्मर क्या कर सकता है? सेम सीड को हर साल यूज कर सकता है, क्योंकि वेरिएशन तो आया ही नहीं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, है ना। पर सीड बन गया क्योंकि कॉपी सेक्सुअल की कर रहा था। चलिए अब डायग्राम बताने का टाइम आ गया है, बताओ किसका डायग्राम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, विच एल्गी इज दिस? क्या ये क्लोरोफाइसी है? क्या ये ग्रीन एल्गी है? और क्या ग्रीन एल्गी में फूड जो स्टोर होता है वो स्टार्च होता है? बताओ क्या इसमें उगोनियम एंथ्रोडियम दोनों है? तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। पर इस एल्गी का नाम कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा? बताओ कशिश, शेट्टी, यशराज, क्या ये कौन सी एल्गी है?
very good. Which algae is this? It is chara. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. फ्रुगीवोरस बर्ड्स कहाँ पे मिलेंगे? और फ्रुगीवोरस बर्ड्स बोल रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ज़्यादा मिलते हैं. इसका रीज़न क्या है? फ्रुगीवोरस यानी कि फ्रूट खाने वाले. अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, एवरग्रीन रहता है, साल भर फ्रूट मिलता है, तो फ्रूट खाने वाले यहीं मिलेंगे. अभी कहीं डेजर्ट वेजर्ट में फ्रुगीवोरस बर्ड्स मिलेंगे क्या? डेजर्ट में तो फ्रूट ही नहीं है, बेचारे खाएंगे क्या, भूखे मर जाएंगे हमारे बर्ड्स. ठीक है, तो फ्रूट होना चाहिए. और फ्रूट कहाँ पे मिलने वाला है? फ्रूट मिलने वाला है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. सेल मेम्ब्रेन से पास होने में किस मॉलिक्यूल को डिफ़िकल्टी आती है? तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर क्या है? दैट इज़ लिपिड इन नेचर. सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड इन नेचर. लिपिड को पास होने देगी वो, पानी को पास नहीं होने देगी. तो एनीथिंग दैट इज सॉल्यूबल इन द वाटर और एनीथिंग दैट इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो यानी कि पानी, फिलिक यानी कि लविंग, तो वो पास यहाँ पर नहीं हो पाएगा. करेक्ट आंसर अबाउट कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. करेक्ट क्या है? विच वन इज करेक्ट? स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल की, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे पानी टूट के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन बनाता है. प्रोटीन्स कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? ल्यूमन में इकट्ठे हो जाते हैं थाइलाकॉइड के. ठीक है, और एक और चीज़ क्या है? प्रोटोन, ये NADP रिडक्टेज कहाँ पर है? स्ट्रोमा साइड पर है. ये सही लग रहे हैं बेटा, बस है ना. प्रोटोन इंक्रीज हो जाएगा स्ट्रोमा में, नहीं होगा ये भी नहीं होगा. द आंसर इज ABD. 145 का क्या होना चाहिए? 145 का 2 होना चाहिए. एक फीमेल इंडिविजुअल है जिसमें फरोड टंग दिख रही है, पार्शियली ओपन माउथ दिख रहा है, ब्रॉड पाम, ये सारे कैरेक्टर पढ़ते ही हमको पता चल गया कि NCERT से कि कौन सा चीज़ हो सकती है बेटा इस फीमेल में. इसमें हो सकती है डाउन सिंड्रोम. और डाउन किससे होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम से होता है. तो डी आंसर हो जाएगा. करेक्ट सीक्वेंस बताइए प्रोफेज वन की. व्हाट इज दी करेक्ट सीक्वेंस? सबसे पहले क्या होता है? क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है. जैसे ही वो क्रोमोसोम बनाता है फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सिनेप्सिस होता है, फिर वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं, है ना. तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फिर क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है और फिर आखिरी में टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायज़मटा. ये पता है क्या बता रहा है? लैप्टोटीन, वो वाला बता रहा है, लता जरा पानी दे दे. लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस. ठीक है, इस तरीके से ये बता रहा है. चलिए करेक्ट पेयर बताइए. कौन सा एंजाइम चाहिए प्लांट सेल में से DNA को निकालने के लिए और फंगस में से निकालने के लिए? तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, तो सेलुलेज से हटा दो. काइटिन की, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी है, तो काइटिनेज से इसको हटा दो. तो आंसर क्या हो जाएगा? 2. चलिए मैच कर दीजिए. 149 का क्या रहेगा बेटा? अब यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी है. अगेन 4×10³ होता है क्या? 4×10³ होता है. मतलब NTA ने यहाँ पर क्या कर दिया है? प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है. लेकिन इस मिस्टेक के साथ अगर आप आंसर लगाओगे तो आंसर 3 आएगा कि कार्बन जो डिसॉल्व्ड है ओशंस में तो कितना है? इतना है. एनुअल फिक्सेशन कितना है? इतना है. पार कैप्चर करता है इतना और प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन है इतना. ठीक है, लेकिन 4×10³ ना करके उन्होंने 3 कर दिया है. नेक्स्ट पे आते हैं. 150 क्वेश्चन नंबर 150. व्हाट इज एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विथ येलो एंड इनफ्लेटेड पॉड इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग ग्रीन कलर एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड? क्या पूछ रहा है वो? क्या पूछ रहा है बेटा बताओ? येलो पॉड,
क्या पूछ रहा है? येलो पॉड के बारे में पूछ रहा है कि पॉड का डोमिनेंट कलर क्या होता है, जल्दी से बताओ। What is the expected percentage of F2 progeny with yellow and inflated pod in dihybrid cross experiment involving pea plant with green colored inflated pod and yellow colored constricted pod? पहले आपको पता होना चाहिए डोमिनेंट क्या है और रेसेसिव क्या है, ठीक है? तो आपको पता होगा यहाँ पे कि इन्फ्लेटेड है यानी कि डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है यानी कि रेसेसिव है और बिल्कुल पिचकी हुई है, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ क्या है, ग्रीन और येलो वाली बात हो गई है। तो यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? क्या आंसर बताया तुमने 150 का? नहीं, 150 का आंसर तो क्या है, सी है, है ना? बिल्कुल इसका आंसर सी है। इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं अपन, बेसिकली येलो है और इन्फ्लेटेड है ना, यानी कि एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, ठीक है? और फिर क्या कर दे अपन, इसको क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, इन्फ्लेटेड पॉड डोमिनेंट येलो कलर, तो इसमें 18.75 आएगा ये, है ना? डोमिनेंट और रेसेसिव से निकाल के जब वो पूरी चार्ट बनती है ना, जैसे आपने उसकी बनाई थी बेटा येलो सीड्स राउंड सीड्स वाली, हाँ उसी हिसाब से बनती है ये पूरी। 9:3:3:1 का रेशो आता है, है ना? एक तरफ क्या करा है, सही बोल रहे हो, बिल्कुल रेशोज निकालने पड़ेंगे इसमें बेसिकली पूरे। पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्यू टू चेंज इन देयर चेंज इन दी प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड में रहता है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, हमने बायोटेक में भी पढ़ा है, हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ा है। काऊ रोजी न्यूट्रिशनली ज़्यादा अच्छा मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी ह्यूमन बेबीज को पलाने के लिए, उसमें ऐसा क्या था? तो उसमें ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन था। If the pH in lysosome is increased to alkaline, lysosome का pH acidic है, अब अगर alkaline हो गया तो क्या होगा? तो hydrolytic enzyme जो acidic pH में काम करते थे अब वो alkaline pH में नहीं काम करेंगे, तो hydrolytic enzymes क्या हो जाएगा, inactive हो जाएगा। Incorrect क्या है, incorrect क्या है, गलत क्या है, बताओ। माल्टोस किसका बना है, दो ग्लूकोज का बना है क्या? माल्टोस एक माल्टोस कितने किस किस के मिल का बना है, अगर डाइसेक्राइड है क्या? माल्टोस इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जो किससे लिंक्ड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड है, तो यहाँ गैलेक्टोज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों हो जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के वजह से, टी लिम्फोसाइट्स के वजह से क्या हो जाता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है। डीएनए में सल्फर होता फॉस्फोरस की जगह, देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर डीएनए में क्या है फॉस्फेट ग्रुप लगा है उसके जगह सल्फर होता, और प्रोटीन में सल्फर के जगह फॉस्फोरस होता, तो हर्षे और चेस का एक्सपेरिमेंट सही हो पाता क्या? हर्षे और चेस का एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो पाता। जब यहाँ पे क्या आने लगता, उनके एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज होता, कि बैक्टीरिया के सेल में रेडियो एक्टिव सल्फर दिखता। रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे आई, जहाँ पर डीएनए था, डीएनए में सल्फर है तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर हो जाता, ऐसा चेंज देखने को मिलता, ठीक है? पहले कहाँ पे आई थी रेडियो एक्टिविटी, फॉस्फोरस वाले में आई थी, क्योंकि फॉस्फोरस बोल रहे थे डीएनए में, यहाँ सल्फर बोल रहे तो सल्फर हो जाएगा। दो बटरफ्लाई कंपटीशन कर रही है ना, उनको एक फ्लावर का ही नेक्टर चाहिए गार्डन में, अब ये दोनों साथ में रह पाएँ, कंपटीशन को अवॉइड कर पाएँ, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको अपने डिफरेंट फोराजिंग पैटर्न्स चूज करने पड़ेंगे। एक ही दोनों को खाएंगे तो दोनों को नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिशन होगी, नेगेटिव नेगेटिव रिलेशनशिप होगा,
they will have to choose different foraging patterns like the warbles. मैड काउ डिसीज किससे होती है? प्रायोन से होती है क्या? क्रूसफेल्ड जैकब डिसीज भी उसी से होती है. नॉट इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसमें से कौन सी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस नहीं है? तो इसमें से प्रोजेस्टोजेंस इज नॉट इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, प्रोजेस्टा सर्ट हार्मोनल आईयूडी है. चलो क्लमाइडोस्पोर, क्लमाइडोमोनास के जूस्पोर, कोनीडिया, हाइड्रा, ये मैच कर दिया. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मैच करने थे मात्र. कौन किससे रिप्रोडक्शन करता है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या सही है? आई बैंड इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है? ठीक है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अवे फ्रॉम ए बैंड, नहीं स्लाइड होके पास में आ रहे हैं. ठीक है, लेंथ ऑफ सार्कोमियर इंक्रीज होती है क्या डिक्रीज होती है? यानी कि 161 का एक ही स्टेटमेंट सही है एंड दैट इज द सेकेंड वन. ठीक है, बहुत अच्छे. अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे प्राइमरी प्रोडक्शन बोला जाता है. जो हर्बीवोर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? उसे सेकेंडरी प्रोडक्शन बोलेंगे. ठीक है, जो वाला क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आया ना, वो जेनेटिक्स वाला, वो मैं तुम्हें सॉल्व करके पूरा अच्छे से, मतलब इसी पीडीएफ में लिखा हुआ अगर तुम्हें चाहिए तो मैं वहाँ दे दूंगी, पूरा क्रॉस बनाऊंगी वहाँ पे. ठीक है, तुम्हें दे दूंगी. टेलीग्राम को इसलिए ज्वाइन कर लो. चलो अब आ जाओ दो स्टेटमेंट्स आगे वाले. अमीनो एसिड्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेबल नेचर, सही बात है. अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, इसलिए डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट पीएच. अमीनो एसिड ज्यूटर आयन के फॉर्म में होता है एट एसिडिक, हाँ सही बात है. 163 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहता है ये, जब इसको कहाँ डालेंगे? पीएच में. ब्रोंकियोल्स एंड फलोपियन ट्यूब में क्या है? तो यहाँ पे पार्टिकल्स को मूव करवाना होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो सीलिया चाहिए उनके मूवमेंट के लिए. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सीलिएटेड एपिथीलियम होगा. क्या होगा? सीलिएटेड एपिथीलियम. वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो और कहीं नहीं मिलते. ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो एक ही जगह मिलते हैं कहीं और नहीं मिलते, उसे क्या बोला जाता है बेटा? उसे बोला जाता है एंडेमिक. उसे क्या बोलेंगे? एंडेमिक, जो एक पर्टिकुलर जगह पर मिलेगा. गाउट में क्या होता है? What happens in the disease that is known as gout? बताओ बेटा. तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस, स्वेलिंग, पेनफुल कंडीशन हो जाती है. तो 166 का आंसर है 1. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी. Which of the following statement are correct with respect to vital capacity? बताइए बेटा. Vital capacity का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी. What is vital capacity according to NCERT बेटा? ठीक है, मैक्सिमम एयर जो आप इनहेल कर सकते हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते हैं बताओ? मैक्सिमम जितना आप इनहेल कर सकते हो, दैट इज वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, इसमें क्या है? आईसी प्लस ईआरवी है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और इंटर्न आईसी का क्या होगा? टीवी प्लस आईआरवी. आईसी किससे बना? टीवी प्लस आईआरवी से बना. ठीक है, मैक्सिमम आप कितनी सांस ले सकते हो. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? ये कि ईआरवी है, टीवी है, आईआरवी है. फिर मैक्सिमम वॉल्यूम जो ब्रीथ कर रहे हैं अपन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, और
और दूसरा क्या हो जाएगा जो निकाल सकते हो फोर्स इंस्पिरेशन से, मतलब टोटल अपन मान के चल रहे हैं. यूनिक कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर इज नोन एज, इसे क्या बोला जाता है, इसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोला जाता है. चलिए मैच कर दीजिए किसका क्या फंक्शन है. बहुत मैच द कॉलम आए ना बेटा. ए का ही अगर आंसर आपको पता होता तो आप लगा लेते सही. प्रो वेंट्रिकुलर्स गिजार्ड ग्राइंडिंग कर रहा है. हिपैटिक सी के डाइजेस्टिव जूस. मालफीजन ट्यूब्यूल रिमूव करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. असर्शन और रीजन, ठीक है. स्पिरुलिना इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है क्या. स्पिरुलिना प्रोटीन सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट फैट मिनरल विटामिन. अच्छा तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी सही है कि हाँ इन्वायरमेंट की पॉल्यूशन रिड्यूस करता है, सिंगल सेल प्रोटीन है ना, क्योंकि है ना मैश वैश इधर उधर ही ग्रो कर जाएगा. रीज़न भी सही है, पर क्या रीज़न उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या. रीज़न उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. दोनों इंडिपेंडेंटली जो स्टेटमेंट है वो सही है. पैनस्पर्मिया के बारे में बताइए. पैनस्पर्मिया मतलब बाहर से अर्थ पे कोई स्पोर आया, कुछ स्पर्म आया, सीड आया लाइफ लेके. तो ट्रांसफ़र ऑफ स्पोर एज अ यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर प्लैनेट टू दी अर्थ. चलिए इसको अपन को अरेंज करना है सीक्वेंस में. कैसे अरेंज करेंगे इसको बताओ. सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आता है बेटा ब्रेस्ट में कि बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं ना, मतलब बहुत सारे से कंपार्टमेंट्स होते हैं, लोब्स होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं. इन लोब्स के अंदर एल्वियोलाई होता है जिसमें मिल्क स्टोर होता है. फिर ट्यूब्यूल्स, फिर डक्ट, फिर एम्प्यूला और फिर वहाँ से लैक्टिफेरस डक्ट. तो सबसे आखिरी में याद रखना कि लैक्टिफेरस डक्ट आती है जहाँ से बच्चा मिल्क सकआउट कर पाता है. इनकरेक्ट क्या है, ये इनकरेक्ट है 173 का 3, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन होती है. क्लोज रिलेटिव मीटिंग जो है, कॉन्सैंग्विनस मीटिंग जो है, यहाँ पे कितनी लाइन होती है बेटा, दो लाइन होती है. Why CNG is better fuel? CNG better fuel क्यों है, क्योंकि उसको adulterate नहीं कर सकते, अच्छे से burn करता है, cheaper है, less inflammable होता तो better नहीं होता बेटा, है ना. तो A, C, D इसका यहाँ पे answer हो जाएगा correct. Not commonly used for introducing foreign DNA into the plant cell. Foreign DNA को plant cell में डालना है तो क्या चीज़ नहीं commonly use होगी, तो bacteriophage नहीं होगी, एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेशियंस होता है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे होता है, पॉन्स रीजन में होता है, ये तो है ना वेरी कॉमन न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स. हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड फॉर, रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोज, ठीक है. सेकेंडरी पूछ रहा है कितने चाहिए रहेंगे, बताओ आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में. देखो 100 मिलियन क्या चाहिए रहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. 200 मिलियन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिससे बन जाएंगे 400 मिलियन स्पर्म, ठीक है. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं और एक स्पर्मेटोसाइट से 2 बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से. करेक्ट अबाउट मस्क्यूलर टिश्यू, स्केलेटल मसल फाइबर आर यूनी न्यूक्लिएट, नो मल्टी न्यूक्लिएटेड है. इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डिक मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट बोल सकते हैं. वॉल्स ऑफ ब्लड वैसल, ब्लड वैसल की तो स्क्वेमस की बनी है, कॉलमनर की नहीं बनी है. स्मूथ मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, यूनी न्यूक्लिएटेड है. 178 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 179, असर्शन एंड रीजन. बिल्कुल लाइक कर दो भैया सेशन. FSH विच इंटरैक्ट्स विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर डज नॉट एंटर द टारगेट सेल. FSH प्रोटीन का बना है तो इसका जो मतलब रिसेप्टर होगा वो मेम्ब्रेन पर होगा, उसको अंदर जाने की जरूरत नहीं है. बाइंडिंग ऑफ
FSH to its receptor generates a secondary messenger for its biological and physiological response. बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है अपने करेक्ट हैं, ठीक है, उसका काम वहीं पे हो जा रहा है. तो 179 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल. नेक्स्ट पे आ जाओ, तीन चेम्बर्ड हार्ट किसके पास है, एम्फीबिया के पास है और रेप्टाइल्स के पास है, चिलोन, टर्टल, ठीक है, तीन चेम्बर्ड हार्ट. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो लेवल है थायरॉक्सिन का इंक्रीज हो जाता है मेटरनल ब्लड में, मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि मदर में, बताइए सही बात है, थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ रहा है मेटरनल ब्लड में, क्यों, क्योंकि मदर के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं. तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इनकरेक्ट विथ साइक्लोस्टोम्स. इनकरेक्ट क्या है, डीप सी में जाते हैं क्या स्पॉनिंग के लिए, नहीं, तो डी वाला ही गलत होना चाहिए. क्या उनके पास जॉज होते हैं क्या, नहीं, उनके पास जॉज नहीं होते हैं. तो यहाँ पे जो बी भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है, ए और सी जो है वो करेक्ट है. इनेमल क्या करता है बेटा, दांत के ऊपर जो इनेमल है, 183 फूड को चबाने में मदद करता है कि नहीं करता है, हेल्प्स टू मेस्टिकेट द फूड, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए. 184 बोन सपोर्ट और प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है. वेट बियरिंग इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स, हाथ पैर वेट बियर करते हैं, करते हैं. लिगामेंट में ब्लड सेल बनते हैं क्या, नहीं, बोन मैरो में बनते हैं. एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है, बिल्कुल होता है. टेंडन वन बोन टू अनादर करता है क्या, नहीं, लिगामेंट वन बोन टू अनादर करता है, इसीलिए 184 का आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा. बायवैलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन किस में दिखेगा, बायवैलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन ये दिखता है सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स जब बनता है, कहाँ पर, जाइगोटीन स्टेज में, ठीक है, इन दी जाइगोटीन स्टेज, ठीक है. की के बारे में बताते हैं, की सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज पे बेस्ड है, हाँ, एनालिटिकल नेचर है, हाँ, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड कपलेट, हाँ, ये भी हाँ, पर क्या सेम की यूज कर लोगे क्या सभी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए तो अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि डी वाला क्या है, रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 187, अ नॉर्मल गर्ल जिसकी मदर हीमोफिलिक है मैरीज अ मैन विथ नो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया, वॉट विल बी द पॉसिबल फिनोटाइप, क्या पॉसिबल फिनोटाइप होंगे. भावे कुछ चीजें तो भूल जाते हैं, मॉर्फोलॉजी के जैसे एग्जाम्पल्स हैं तो वो तो टाइम टू टाइम देखने ही पड़ते हैं ना, वो इतने सालों से पढ़ाते रहते हो तो याद हो जाते हैं, पर कुछ कुछ चीजें तो भूल भी सकता है इंसान. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है कि नॉर्मल गर्ल जिसकी मदर हीमोफिलिक थी, तो मदर से उसको आया होगा ना एक हीमोफीलिया का, मैरीज अ मेल, ठीक है, जिसकी कोई हिस्ट्री हीमोफीलिया की नहीं है, तो जब इनका क्रॉस होगा तो क्या देखने को मिलेगा इनके क्रॉस में. देखो बताओ क्या दिखा, मैंने आपको इसका पूरा क्रॉस बना के बताया है. सन भी हीमोफिलिक हो सकता है और डॉटर क्या रहेगी, कैरियर रहेगी, अफेक्टेड नहीं रहेगी, और एक नॉर्मल डॉटर और नॉर्मल सन भी रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी, ठीक है. अब आईयूडीज के बारे में अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. Let us talk about correct statements, ठीक है, करेक्ट अबाउट आईयूडी. आईयूडी डिक्रीज करते हैं फेगोसाइटोसिस, नहीं, इनक्रीज करते हैं,
ठीक है, रिलीज्ड कॉपर आयन सप्रेस दी स्पर्म मोटिलिटी, ये सही है. डू नॉट मेक सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, गलत है. इट मेक्स सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म. सप्रेस करती है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, हाँ. सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए आईयूडी को, नहीं. तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी और डी हो जाएगा. सो सॉरी. अब आ जाओ, अगेन क्या पूछ रहा है, अप्रोप्रिएट आंसर बताइए. बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ठीक है. आ जाओ इधर, क्या है. एग्रोज नेचुरल पॉलीमर है, सी वीट से ऑब्टेन होता है, हाँ. साइज ऑफ द डीएनए के बेसिस पे सेपरेट होता है, हाँ. डीएनए माइग्रेट कहाँ से कहाँ कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, तो फिर ये नहीं कर रहा है. तो आंसर ए बी सी, नेगेटिव होता है ना डीएनए, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करता है. 189 का टू. चलो 190, मैच द फॉलोइंग. मल्टीपोलर कहाँ दिखता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में. बाइपोलर आई के रेटिना में. माइलिनेटेड स्पाइनल नर्व्स, अनमाइलिनेटेड सोमैटिक न्यूरल नर्वस सिस्टम. तो 190 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा. एक्सक्रीशन कर रही है सारी ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड एक्सक्रीशन नहीं कर रही है, हिपैटिक सी के एक्सक्रीशन नहीं कर रही है, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट कर रही है. करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को स्पीसिएशन बोलते हैं क्या, नहीं, साल्टेशन बोलते हैं, ठीक है. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज गिवन बाय, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, हुगो दी ब्रीज ने दी थी क्या, जल्दी जल्दी बताओ. तो ये गलत हो गया. वेरिएशन स्मॉल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनलेस होते हैं. एक्चुअल में अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आप देखोगे ना, तो थर्ड वाला ही है, क्योंकि वो स्पीसिएशन से बताना चाह रहा है कि एक बड़ा सा चेंज हुआ है. स्पीसिएशन से क्या बता रहा है, बड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि लार्ज डिफरेंस तो म्यूटेशन के वजह से क्या होंगे, बताओ, आप ही बताओ. साल्टेशन इज कॉल्ड, नहीं बोला है ना, इज कॉज बोला है, इसीलिए 192 का आंसर क्या होगा, थ्री होगा, ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है. तो सबसे ज़्यादा तो इरिथ्रोसाइट्स हैं, फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल्स हैं, है ना. इरिथ्रोसाइट्स के बाद ही, अच्छा प्लेटलेट्स भी तो दिया है इन्होंने ऑप्शन में, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा इरिथ्रोसाइट्स, फिर प्लेटलेट्स, फिर न्यूट्रोफिल्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल्स, ज़्यादा से कम की तरफ. इसको ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिएगा बेटा, कौन सा एंजाइम चाहिए बताओ, पर ऑक्सीडेज चाहिए क्या, इसका कौन है प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम है क्या, एंटीकोडॉन टीआरएनए पे इसका क्या रहेगा जी, बताओ बताओ. ए का टी लेकिन आरएनए है तो यू, और सी का फिर क्या हो जाएगा, उल्टा लिखेंगे ना अपन. तो इसका आंसर डी हो जाएगा. 195 का आंसर इज गोइंग टू बी डी, जी यू ए. करेक्ट बताते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है. 196, एडीएच वैसो डायलेशन करता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है. वैसो प्रेसिन एडिनोफाइसिस से रिलीज होता है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है. तो 196 में डी और ई गलत है, ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा. विथ रिस्पेक्ट टू मेटाफेज इनकरेक्ट क्या है, वॉट इज इनकरेक्ट. 197, सिस्टर क्रोमैटिड आ जाती है क्या मेटाफेज में बाय सेंट्रोमियर. मेटाफेज में तो सब अलाइन हो जाते हैं मिडिल में. इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग हार्मफुल रिसेसिव जीन को एक्सपोज कर देती है.
ठीक है, होमोजाइगोसिटी इससे इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज होती है. तो 198 का आंसर क्या है, 3, कि ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा होमोजाइगोसिटी को. चलिए, कौन सा किस बैरियर का एग्जाम्पल है बताइए. ठीक है, कौन सा किस एग्जाम्पल का है, सेलुलर बैरियर, न्यूट्रोफिल, साइटोकाइन, इंटरफेरॉन्स. ए और सी मेक 30% एंड 20% ऑफ डीएनए. ए किसके बराबर होता है, टी के बराबर होता है. ए 30% तो टी कितना, 30%, और वो दोनों बराबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हमेशा टी के बराबर, जी हमेशा सी के बराबर. तो 200 का आंसर क्या हो जाएगा, 2. तो ये पेपर था बेटा इस रीनीट 2022 के एग्जामिनेशन का. आपको बढ़िया लगा हो आज का डिस्कशन तो बिल्कुल सेशन को लाइक करना एंड अपने सभी दोस्तों से इसको शेयर करना. ये टेलीग्राम इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो. इस पेपर का ये जो PDF है मैं आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगी. तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो. इस यूट्यूब पे ऐसे ही सेशंस लेते रहेंगे. इजी था रीनीट वाला पेपर एज़ कम्पेयर टू नीट 22. उनको टाइम भी कम ही मिला था. खैर चलो ठीक है बेटा, है ना, होप अच्छे से समझ में आया हो. अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना. टाटा बाय.